चढ़ा है और वो आप सभी ठीक रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा ऑटोकैड के बेसिक थिंग्स में से उसे यूज कैसे करना है और कैसे अपने ऑटोकैड वाले डायग्राम को ड्रॉ करना। तो मैं यही देखी आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऑटोकैड को यूज कैसे करना। तो चलिए बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑटोकैड के स्क्रीन पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो यह है ऑटोकैड की स्क्रीन, ये देखिए सब बेसिक टूल्स ऑटोकैड के। यहाँ पे देखिए क्या ये लाइन का जो भी पूरा लाइन के बॉक्स है और यहाँ पे सब बॉक्स है। फिर इसको आप सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक किया, वहाँ पर नहीं यहाँ पर राइट क्लिक करना है जहाँ पे ऑटो कैड दिख रहा है। तो यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेयर वन लेयर टू, आपको जैसा ड्रॉइंग बनाना है वैसे। तो सबसे पहले ये सब बेसिक सेटिंग आप यहाँ से राइट क्लिक करके, कस्टम भी है एक्सप्रेस भी है, यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। अभी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये लाइन पर मैंने टिक कर लिया और यहाँ पर मैंने ये लिया ये लाइन, ठीक है। अभी लाइन मेरे को 15 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, तो टाइप कर दूंगा मैं कितना 20 mm। इसमें सारे कैलकुलेशन mm में रहते हैं, तो सारे कैलकुलेशन mm में रहेगा। तो 20 टाइप किया तो ये 20 mm की लाइन आ गई। तो ये अभी टेढ़ी लाइन आ गई। तो इसके लिए मैं आपको सेटिंग्स बताता हूँ आपको क्या करना है। तो आपको सीधा परपेंडिकुलर लाइन मिलेगा, जैसे ये स्नैप है, ये ग्राइड, ऑर्थो, पोलार, ओ स्नैप, ओ ट्रैक। अभी ये मैं कुछ भी अभी एक और वापस से लाइन लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को ये एंड सेंटर क्यों दिख रहा है, मैं पहले तो नहीं दिखेगा जब आप नया नया डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये पोलार पर राइट क्लिक करना है, सेटिंग पे ओपन कर लेना। सेटिंग ओपन करते ही यहाँ पे शो होगा आपको सेटिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप, यहाँ पे ये सब टिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे मिड पॉइंट को अनटिक कर देता हूँ और सेंटर पॉइंट को, और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे अप्लाई करते ही यहाँ पे सेंटर पॉइंट मुझे नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ हर जगह लाइन सेंटर पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी ये लाइन पे नहीं दिख रहा। अभी मैं यही पोलर सेटिंग को, पोलर पे जाकर सेटिंग पे जाता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप, यहाँ पे मिड पॉइंट सेंटर आप औरतों को ऐसे यूज कर, यहाँ पे तो रंग बन गया। वापस से सेम कमांड लेना, ऐसे आप सिंपली बना। अभी मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ वापस से लाइन देखिए, यहाँ पे अक्सर को ये एंड पॉइंट दिख रहा है, ये सेंटर पॉइंट है और ये भी एंड पॉइंट है। तो आप इसको लेकर डायरेक्ट आगे एक्सटेंड। अभी ये ऊपर नीचे एंगल्स में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे और तो ऑन है, तो मैं यहाँ पे और तो ऑफ कर दूंगा, और तो ऑफ, और यहाँ पे फिर छोड़ देना। और आपको इन सब पर ऑफ करना है तो सिंपली कंट्रोल ए दबा देना है। कंट्रोल ए दबाया तो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा और सिंपली डिलीट पर क्लिक कर देना, तो ये डिलीट हो जाएगा। चलिए आगे कमांड की तरफ। ऐसे ये दोनों साइड है रखने के लिए, इसका दोनों साइड एरर देगा। अभी इसमें आप साइज भी देख सकते हैं, जैसे मैं एस्केप दबाऊंगा, कंट्रोल ए दबाऊंगा और डिलीट दबा दूंगा, ये लाइन को वापस सिलेक्ट करना है यहाँ पे 20 mm का। देखिए 20 mm की लाइन बन चुकी है। वैसे आप बहुत सारे लाइन बना सकते हैं, किसके लिए है, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के लिए यहाँ पे साइड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए पॉलीगॉन एंटर द नंबर ऑफ साइड, यहाँ पे आपको साइड एंटर करना है। मैं 5 डालता हूँ, एंटर किया, स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन, ऐसे कहीं पे भी स्क्रीन पे सेंटर स्पेसिफाई कर देना। अब इसको इंस्क्राइब बनाना है कि सर्कमस्क्राइब, मतलब वो सर्कल के अंदर बनना चाहिए या सर्कल के बाहर, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं सर्कम सर्कल, और यहाँ पे बन जाएगा डायरेक्ट पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन बन गया, उसके बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए सिंपली ऐसे सिलेक्ट करना है ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो इजी हो गया। फिर क्लाउड, क्लाउड के लिए क्लाउड में किस टाइप के लाइन्स है, उसके बाद सर्कल,
सर्कल में एलिप्स है, ये सर्कल है, इसके लिए आप रेडियस सेलेक्ट कर सकते हैं 30, ये एलिप्स है, इसको आप मूव भी कर सकते हैं, सेंटर पर क्लिक करना है और यहाँ पे लाना है तो ये मूव हो गया। अभी अगर ये डायग्राम को मुझे मूव करना है तो सिंपली मैं ये डायग्राम को पकड़ूंगा, सिंपली डायग्राम को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर लेना, अब ये डायग्राम से मूव हो जाएगा। वैसे आप सिंपली डायग्राम को मूव भी कर सकते हो, आपको डिलीट करना है, कंट्रोल ले दबाना और डिलीट, ये कंट्रोल ऐसे डिलीट हो जाएगा। मैं आगे से बेसिक प्रोग्राम का आपको सिखाता हूँ। जैसे ये अभी मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेता हूँ, पहले स्क्वायर ये ले लिया मैंने। अभी ये तो इरेजर है, आपको पता है ये कॉपी के लिए, यहाँ पर सिलेक्ट करना, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, उसके बाद पॉइंट जहाँ पर आपको वो कॉपी करना है, यहाँ पर भी कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर भी कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर फिर इसके देखिए इतने सारे कॉपी हो गए। मैं वापस से कंट्रोल ले करता हूँ और डिलीट, वापस से ट्रायंगल ले लेते हैं। उसके बाद ये है मिरर इमेज, मतलब सेम टू सेम ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर दबा देना, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, कहीं पर भी आप मिरर लाइन से और इसका मिरर इमेज सिमिलर, यहाँ पे मिरर इमेज बन गया। ये उसका एक मिनट, वापस से हम ले लेंगे इसको मिरर इमेज के लिए, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर दबा देंगे, स्पेसिफाई द पॉइंट पॉइंट ऑफ देखिए आ गया ये मिरर इमेज। इसको मैं यहाँ पे ट्रैक करता हूँ, इसको सिंपली लाइन को पकड़ना और यहाँ पे ट्रैक करना, सेम टू सेम इसका मिरर इमेज। अभी मिरर इमेज को डिलीट कर देते हैं, उसके बाद ये आ जाता है ऑफसेट। ऑफसेट बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑफसेट ऐसे ऑफसेट के लिए ऑन कर देना है, यहाँ पे स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस टू द फोन, तो यहाँ पे डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देना है कितना एमएम का चाहिए हमें डिस्टेंस, तो हम 5 mm कर देते हैं, 5 mm के एंटर। फिर सिलेक्ट द ऑफसेट, ये सिलेक्ट कर लेना, जिस साइड चाहिए 5 mm इधर और एक अंदर चाहिए ऑफसेट, वापस से यहाँ पे सिलेक्ट द ऑफसेट बाहर, अभी अंदर जगह नहीं है इसलिए वो नहीं जा रहा था, देखिए बाहर अभी करता हूं मैं। वापस से मैं ऑफसेट ले लेता हूं, ऑफसेट से सिलेक्ट किया, यहां पे कितना डिस्टेंस चाहिए मुझे 2 mm का चाहिए, 2 mm डाल के एंटर कर दिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया अंदर लाया, 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 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया बाहर, सेम इक्वल डिस्टेंस। आप ऐसे ऑफसेट का यूज कर सकते हैं। ऑफसेट के बाद वैसे सारे सेटिंग्स यहाँ पे, ये वाला लाइन में आपको ट्रिम और एंड एक्सट्रीम ये पॉइंट में दिखा देता हूँ। अब ये लाइन है, यहाँ से मैं ऑटो ऑन कर देता हूँ, ऑटो ऑन हो गया ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है सिलेक्ट हो गया। अभी मैं एस्केप कर देता हूँ और यहाँ पर भी ट्रिम का ऑप्शन दिया, ठीक है ट्रिम के लिए ये लाइन को सिलेक्ट किया। ट्रिम के लिए 2 लाइन इंटरसेक्ट होनी चाहिए पहली बार, जैसे कि मैं और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक सर्कल भी ले लेता हूँ, चलिए आप जैसे मुझे ये सर्कल है, सर्कल लिख रहा सर्कल ले लिया, सर्कल को मैं यहाँ पे बीच में ले लेता हूँ, सेंटर पॉइंट से बीच में लेता हूँ, जैसे ये बीच वाला देखिए सेंटर से बीच में आ गया। तो अभी यहाँ पे मैं इसमें ये जो बाहर की लाइन से मुझे ट्रिम कर, तो ट्रिम करने के लिए सिंपली एक ट्रिम वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा, पहले सर्कल सिलेक्ट कर लूंगा एंड, ठीक है सिलेक्ट द ट्रिम ऑप्शन, ट्रिम हो गया, कितना इजी है ट्रिम करना। वापस से एस्केप दबाया, जो सर्कल उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर दबाना, एंटर नहीं दबाया तो फिर आपका ट्रिम नहीं होगा, देखिए ये भी ट्रिम हो गया। वापस से मैं सेंटर दबाता हूँ, एंटर दबाना है ट्रिम, वापस से ट्रिम पर क्लिक किया, सर
वापस से ट्रेन पर क्लिक किया, सर्कल लिया, एंटर दबाया, देखो सर्कल ट्रिम हो गया है। बराबर जैसा ट्रिम मैं अभी सारा डिलीट करता, कंट्रोल ए पे सेलेक्ट किया और सेव, सारे डिलीट हो गए। उसके बाद ये वाली लाइन, उसको कैसे करना है, अभी ये है यहाँ पे है ठीक है, और मैं अभी इसमें एक मिनट, इसको नहीं, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लाइन के साथ ये लाइन लिया मैंने, एस्केप दबाया, ये लाइन लिया, एंटर दबाने का सेम सेम यूज करना है हमें वापस इस लाइन पर। अभी ये दो लाइन को मुझे जोड़ना है, तो ये क्या है, ब्रेक पॉइंट्स को जोड़ने के लिए इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, लाइन जुड़ गई एकदम परफेक्ट, सीधा देखता है। वैसे ही इसको अलग करने के लिए ब्रेक करना, पॉइंट सेलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया, ब्रेक हो गया। ये ब्रेक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं मीन्स लाइन को, तो फिर इसको कट कर देते हैं। और अभी लास्ट वाला देख सकते हैं, अब ये ट्राइंगल है ठीक है। अभी आपको ऐसा मीन्स इसमें ये लाइन चाहिए, मैं आपको यहाँ पे एनोटेशन में करके दिखा था। अगर आपको इसको ऐसे करना है मतलब ये ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब ऐसा ऐसा दिखना चाहिए, तो इसके लिए सिंपली मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ये सिलेक्ट कर लिया ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है सिलेक्टेड फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पे अभी तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, वापस आपको दिखाता हूँ। ये लिया, अभी हम लोग को इसमें क्या करना है, मीन्स एंगल डिसाइड करना है, ट्रिम डिसाइड करना है, कैट तो डिस्टेंस पहले बता देते हो इसको, डिस्टेंस तो डी लिख के एंटर। फिर डिस्टेंस कितना एमएम का रखते हैं, 5 एमएम का रखते हैं ठीक है। फिर सेकेंड चेम्बर डिस्टेंस भी 5 एमएम का रखते हैं ठीक है। सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन और ट्रिम, इसमें सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट द सेकेंड लाइन और शिफ्ट सिलेक्ट द कॉर्नर। ओके मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कैसे परफेक्ट 5 एमएम का कट हुआ। वैसे सिमिलर के कमांड के लिए मैं स्पेस दबा देता हूँ, वापस से यहाँ पे सिलेक्ट द लाइन कर देता हूँ, अप्लाई द कॉर्नर, देखिए परफेक्ट 5 एमएम के बनेंगे। वापस से स्पेस बार दबा दीजिएगा सेम कमांड के लिए, यहाँ पे वापस से स्पेस बार दबा दीजिएगा सेम कमांड के लिए, देखो एकदम परफेक्ट वैसे ही बनाना। अभी मैं ये वाले कमांड के लिए आपको बता देता हूँ, तो सिंपली मैं एक और स्क्वायर लूंगा, एक और स्क्वायर लिया मैंने, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या मुझे चाहिए, मुझे तो सर्कल टाइप बन रहा है, तो उसका मुझे सबसे पहले रेडियस डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आर टाइप करूंगा, आर टाइप करके एंटर, आर टाइप करते यहाँ पे रेडियस का कितना एमएम का रेडियस चाहिए मुझे, 5 एमएम का रेडियस चाहिए, मैं 5 डालता हूँ। सिलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है, ये सिलेक्ट कर लेना, रेडियस बन गया हमारा। वापस से सेम कमांड एंटर करना है, सेम 5 एमएम का चाहिए, स्पेस दबाना है, सेम कमांड रिपीट होते रहेगा। ये सिलेक्ट किया, देखो एकदम परफेक्टली बनाना, तो ऐसे आप ये भी आराम से बना सकते हो। उसके बाद में आपको अगर प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे तो कंस्ट्रक्शन लेयर कैसे बनाना है और बाकी सब लेयर कैसे बनाना है वो सिखाता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पे लेयर ऑप्शन दिखता रहेगा, लेयर ये देखिए यहाँ पे ये लेयर का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है आपको लेयर का ऑप्शन, ये भी एक लेयर था। तो यहाँ पे लेयर पे क्लिक कर दीजिए, लेयर पे क्लिक करते ही एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, उसमें आपको मीन्स सिंपली लेयर्स क्रिएट करने रहेंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन लेयर बाकी सब लेयर। तो एक डिफॉल्ट लेयर ऑलरेडी बना है, तो इसको न्यू लेयर पर सिलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे फिर इसको ऐसे कर दो, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे डायमेंशन, डायमेंशन लेयर ठीक है, डायमेंशन लेयर ले लिया, हो गया। अभी मेरे को इसका कलर, हमेशा डायमेंशन लेयर का कलर कैनॉन होता है, कैनॉन होता है, तो उसको कर दिया मैंने डायमेंशन लेयर। उसके बाद आ जाता है, नहीं डायमेंशन लेयर का कलर होता है 252, 252 ओके।
अभी कंस्ट्रक्शन लेयर का क्या नॉर्म होता है डायग्राम, तो मैं वापस से एक्टिव करूंगा इस पे, न्यू लेयर बना दूंगा यहाँ पे कट कर दूंगा, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, आर यू क्रिएट कंस्ट्रक्शन लेयर, ओके इसपे कंस्ट्रक्शन लेयर डाल दे। यहाँ पे कैनॉन, कंस्ट्रक्शन लेयर हमेशा कैनॉन में रहता है, यहाँ पे ओके। अभी मैं यहाँ पे लेयर पे सिलेक्ट करता हूँ, और एक कंस्ट्रक्शन लेयर पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके कर दूंगा मैं यहाँ पे। अभी मैं स्ट्रेट लाइन लेने वाला हूँ, इसलिए मैं ऑर्थो ऑन कर दूंगा, ऑर्थो ऑन हो गया। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे सिलेक्ट करूंगा, देखिए इसका कलर कैसा आएगा, ब्लू ब्लू कलर आया ना। कलर आने के बाद देखिए स्केप दबा दिया मैंने, उसके बाद वापस से मैं लूंगा ये सेम कलर और वापस से ड्रॉ करूंगा ऊपर से, नहीं ऊपर से वापस से ये लेता, यहाँ पे जो गया और यहाँ पे पट्टी हो जा रहा है। एक मिनट, सेम कमांड, देखो ब्लू कलर, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको अभी वापस से क्यों ड्रा करूँ, तो इसलिए मैंने आपको इसके सारे पहले के कमांड्स बताए, तो सेम वापस से कैसे ड्रा करना है। तो हम लोग इस पे ऑफसेट यूज कर सकते हैं ना, ऑफसेट के लिए मैं 2 mm की जगह पे मैं 5 mm का लेयर दूंगा और एंटर कर दूंगा। सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे 5 mm, ये सिलेक्ट किया यहाँ पे 5 mm, ये सिलेक्ट किया यहाँ पे 5 mm, ये सिलेक्ट किया यहाँ पे 5 mm। अब इसके बाद मुझे कंस्ट्रक्शन लेयर को ऑफ कर देना, तो सिंपली कंस्ट्रक्शन लेयर पे यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा मैं, ये देखिए यहाँ पे क्लिक आ गया, यहाँ पे ओके कर दिया मैंने। उसके बाद अब मैं यहाँ पे वाइट वाइट कलर अभी हो जाएगा ना, क्योंकि मैं सादे डायग्राम में आ गया। सिमिलरली मैं सिर्फ बीच वाले लाइन को वापस से ट्रेस कर दूंगा, ट्रेस कर दिया वाइट कलर हो गया, वापस से मैं सिर्फ ब्लू वाले लाइन को ट्रेस कर दूंगा, देखिए व्हाइट कलर हो गया। अभी मैं कंस्ट्रक्शन लाइन मैंने अपने रेफरेंस के लिए बनाया ना, कंस्ट्रक्शन लाइन अपने रेफरेंस के लिए, कि मुझे कहीं रॉन्ग ना हो जाएगा। मैं अभी मैं यहाँ पे सिंपली एक स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट को ज़ूम करता हूँ मैं और यहाँ पे एक स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इसके अंदर भी, चलिए मैं ऑफसेट से ले लेता हूँ, सिलेक्ट किया, सेम मुझे 2 mm का डिस्टेंस या फिर सेम चाहिए, इसको इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया, इसको सिलेक्ट किया, ये एक ऑफसेट लिया मैंने, ऑफसेट में मैंने डिस्टेंस सिलेक्ट किया 3, एंटर कर दिया, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, ये सिलेक्ट किया अंदर लिया, ये सिलेक्ट किया अंदर लिया, ये सिलेक्ट किया बाहर लिया, ये सिलेक्ट किया बाहर, बाहर वाला हम डिलीट कर देते हैं, वो अच्छा डिलीट करा। अभी मैं एक कंस्ट्रक्शन लाइन तो अपने रेफरेंस के लिए बनाया था ना, ट्रायंगल कहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं इस डायग्राम का, तो सिंपली आपको यहाँ पे फिर ये क्लिक करना, और एक कंस्ट्रक्शन लाइन दिख रहा है ना उसको ऑफ कर देना, ऑफ हो गया, और यहाँ पे अप्लाई, देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन ऑफ हो गए, और मेरा डायग्राम कितना क्लियर दिख रहा है। तो इसलिए आपको कंस्ट्रक्शन लाइन दिया, कंस्ट्रक्शन लाइन डायमेंशन लाइन आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अभी इधर ही एंड करते हैं, अगर आपको सारे अच्छा लगा रहेगा सीखने में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो चैनल पे आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।